और पुणे को पानी जो है यहीं से सप्लाई होता है। हाँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है पुणे का, जिसमें से पुणे सिटी को पानी सप्लाई। इत्थे पैर धरन नूं थां नहीं हैगा, जून जुलाई दे विच आउंगे ना, बहुत बुरा हाल हुंदा इत्थे। 4 मीटर मतलब कम से कम जे 3.5 किलोमीटर हो गया। हाँ, है ना, 36 उसने इतना गोलियां। अच्छा, इतनी बार गोलियां चलाई है, ठीक है, क्वांटिटी है गोलों की। तानाजी भोसलेंनी 500 मोगल कापले, त्यामध्ये तानाजी भोसले जखमी झाले, ढाल तुटली, हात तुटला, शेला बांधून तानाजी भोसले अर्धा गड सर करून। चलो इथे आवाज जी काढ दो, घोड़े वाली कहने घोड़ा आ गया सच्ची। क्या थे इधर किस घोड़े रहे? वो उन्होंने बोला घोड़े आची पागा। यहां पे कुछ होगा उनका मीटिंग पॉइंट वगैरह कुछ होगा। घोड़ों का? हां, अच्छा ठीक है। हाँ, आपका आ जाएगा वीडियो, वीडियो वगैरह देख लेना, ये घोड़े के रिलेटेड सारी वीडियो होगी उस पर, ठीक है। ठीक है जी, किला है छत्रपति शिवाजी दा ही सी, पर मुगलों को चला गया सी, उथे कुथे होया पै काम, सारे पासे इकड़ाया इकड़ाया ते कुथे कुथे। वीडियो देख रहे सारे सज्जना मित्रां नूं सत श्री अकाल जी। आपां घूम रहे हैं महाराष्ट्र के शहर पुणे दे विच, ते कल वाली वीडियो दे विच आपां पुणे शहर दे विच जिन्नियां भी लोकल डेस्टिनेशन सी सारियां दिखाईयां ने, ते अज वाली वीडियो दे विच आपां पुणे शहर तो चले हां जी 50 किलोमीटर बाहर, जिन्हों कहा जाता कि सिंहगढ़ फोर्ट, ते ओह किला छत्रपति शिवाजी दे बहुत सारे किलियां दे विचों एक किला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी नूं ना महाराष्ट्र दे विच रब वांगू पूजिया जांदा, ते कहा जाता कि बहुत वधिया राजा सी, ते उहदे नां दे उत्ते इत्थे जकारे भी लगते रहिंदे ने जिथे मर्जी तुसीं जा वड़ो। तो सिंहगढ़ फोर्ट जिहड़ा हैगा ना छत्रपति दे बहुत किलियां दे विचों एक किला, क्योंकि जिथे चाहे उहदा जन्म होया, चाहे जिथे बह के उहने राज कीता, चाहे कुछ भी होया, तो 90% किले महाराष्ट्र दे विच छत्रपति शिवाजी दे नां दे उत्ते ने। तो यह किला जिहड़ा हैगा इत्थों 50 किलोमीटर दूर आ, 1.5 घंटे की वाट आ, ते अज आपां उह जावांगे ते छत्रपति शिवाजी बारे गल्लां बातां दसांगे, ते इस किले का इतिहास दसांगे, ठीक है। अज अपने नाल एक बाई ने भी जाना, तो जिहड़े बाई नाल तुहानूं कल वाली वीडियो दे विच मिलाया सी उह हैगा जी सनाम तो, उह साडे आप दे शहर तो आ, ते इह मुंडा जिहड़ा हैगा जी इह उहदा गाहां फ्रेंड आ, आई टी कंपनी च काम करदा बाई इह भी, ते पहलां आपां उहदे कोल जावांगे। सवेरे सवेरे बाई दा फोन आया जी, तो आप चले सी अज्ज जिवें तुहानूं ओपनिंग दे विच आपां दस्सिया कि सिंहगढ़ फोर्ट आपां चले सी, ते अज्ज साडे ट्रैवल पार्टनर जिहड़े हैगे ने उह हैगे ने बाई राजू, इह भी हाँ, ते उहनां दी वाइफ ने नाल साडे, तो जिहड़े दिव्यांशु नाल तुहानूं कल मिलाया सी उहनां दे इह फ्रेंड ने, इह भी बाई इत्थे पुणे दे विच रहिंदे ने ते आई टी कंपनी दे विच काम करदे ने। कितने साल हो गए आपको यहां रहते हुए? करीब 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए बाई जी पुणे दे विच ही रहिंदे ने, ते सारियां गल्लां बातां पुणे दे रिगार्डिंग इहनां नूं पता। तो इधरले पासे राह दे विच लेक आई सी, लेक दा नाम है गया खड़क बासला, खड़क बासला। तो बाई जी ने सानूं दस्सिया कि पुणे दे विच ना वैसे पानी की कमी आ, अपने जिवें पंजाब वाले पासे बोर हुंदे ने उवें नहीं हैगा इत्थे, ते इत्थे बाई कहिंदे भी डैम बनिया होया और पुणे को पानी जो है यहीं से सप्लाई होता है। हाँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट डैम है पुणे का, जिसमें से पुणे सिटी को पानी सप्लाई होती है। इधर बड़े बड़े सोसाइटीज में जैसे कि हमारे साइड में पानी का कमी नहीं रहता है, हार्डली 30 फीट 20 फीट में पानी रहते हैं, बट पुणे में वैसा नहीं है। इसमें 300-400 फीट भी खुद डालो तो भी जरूरी नहीं पानी निकल जाए। ये पुणे की मतलब बहुत एक वन ऑफ द फेमस बोलो एक बड़ा डैम है, जिसमें हमेशा पानी स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत पड़े उस हिसाब से पानी को लोग सप्लाई के लिए पुणे सिटी को भेजते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही सिंहगढ़ से हार्डली 10 किलोमीटर पहले है और ये सिंहगढ़ के रास्ते में मिलता है, जो कि हमारा एक फोर्ट है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तो भाई वैसे ही पुणे के ना 300-400 फुट भी आप पानी लभांगे, तो पानी लभदा नहीं है, तो करके इतों फिर पानी सप्लाई होंगे। इतने इंडियन नेवी वाले तुसी की कहंदे सी? हाँ, इंडियन नेवी का ये जो ट्रेनिंग सेंटर भी है, ठीक है, आगे है उसका। अच्छा, इंडियन नेवी वाले का ट्रेनिंग सेंटर भी आ, तो ये गल्लां बातां ने इतों खड़क बासला लेक, बाकी पिकनिक स्पॉट भी है इतने, वधिया फोटो खिचाउण वास्ते लोग सवेरे इतने आ भी गए ने, चादरां बछालियां तो इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कांदा भाजी का स्पेशल है खाने के लिए। कांदा भाजी, कांदा मतलब प्याज। हाँ, कांदे को प्याज बोलते हैं, तो उसका पकौड़ा बहुत बढ़िया बनता है चाय और उसके साथ, यहाँ पे लोग मजे लेते हैं, चिल रहता है। कर ले फिर एक एक ट्राई कांदे। हाँ, कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो जिवें भाई ने सानूं दस्सिया ना, तो ये लेक दे नेड़े तेड़े लोग पिकनिक मना आ जाते हैं, तो हजे सवेर का टाइम है, कुछ ज़्यादा होया नहीं, 10 बजे ने,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਘੱਟ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਬੁਲਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਾਹ ਚੂਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੜਗਵਾਸਲਾ ਲੇਕ ਆ ਇਹ, ਖਾਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਲੇਕ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋਦਮ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੈਨ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਪਰਸਨ 50 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਚੀਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 12:30 ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਂਜੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਟਰੈਵਲਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਾਟਰਫਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਹਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਧਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੂਰਤੀ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਨਾਓ ਜੀ ਬਲਕੌੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਦਲ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਹਾਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੀਮ ਵਾਲੇ ਕੋਰਨ ਨੇ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਲਾਂ ਜਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰੈਕ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪੂਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਗੇਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪੂਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੇਟ ਆ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਭੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ 4 ਕੁ ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੌੜਾ, 10-11 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਆ ਉਹੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਇਹ 'ਚ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਹਰੇਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਰਾਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਕਲਫੀਆਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਧੀਆ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਠੰਡ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਠੰਡੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਆਹ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ TC 'ਤੇ ਲੋਕ ਐਂ ਫਸ ਫਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇਹ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਜੀਓ ਨਾ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾ ਵੋਡਾਫੋਨ, ਉੱਪਰ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ।
तो उधरले पास एक छोटा जा कुंड बनया हुआ पानी खड़ा उत्थे असल दे विच मीहां दे टाइम दे विच तां फ्रैश पानी हुंदा उत्थे फिलहाल हरे वाई जम्मी पई आ ते जिहड़ियां तुसीं आ कंधां देख रहे हो ना आदे उत्ते छोटे छोटे बूटे जे लगे ने मानसून दे टाइम दे विच ना इह पूरा हरे वाई हुंदी आ इधर देख लो सुके पैंदे ना आह घाह फूस जिहा पूरा हरा हरा हुंदा जिवें आह ला इह मीहां दे टाइम दे विच ते तिलकण वाला माहौल भी बहुत ज़्यादा बनिया हुंदा ते इह आ गया जी हुण दूजा गेट पहला थोड़ा जिहा ज़्यादा भीड़ा सी दूजा गेट माड़ा जिहा खुल्ला इह ते दरवाजा ही लग्या होया वो टाइमां 'च शायद होना पर हुण पट पटिए करते आ इत्थे सत्थां जिहियां बनाईआं होईआं ने बहिण वास्ते छोटे छोटे आले जिहे ने है ना किसे टाइम इह वाला किला जिहड़ा हुंदा सी ना उह मुगलां कोल हुंदा सी किला इह छत्रपति शिवाजी दा ही सी पर मुगलां कोल चला गया सी कुत्थे कुत्थे होया पिया कम्म सारे पासे इकड़ा आ इकड़ा आ ते कुत्थे कुत्थे हो रहा कम्म इधरले पासे दरवाजे दे तुसी उपर भी जा सकते हो जगह बनी हुई आ मूहरले पासे छत्रपति शिवाजी का झंडा बना के उहदी फोटो बनाई हुई सी उह ते बाई कहिंदा आपां आउंदे होए जा आवांगे आ देखो सारा पत्थर ही आ निरा चौड़ियां चौड़ियां कंधां ने ढाई ढाई फुट ते आ किले दा दरवाजा जिथों आपां एंटर कीते आ ते आ मेन पॉइंट आ गया ठीक आ बहुत खुला चढ़ के गर्मी आने लग जा ऊँ नहीं लगती तो उपर चढ़ते चढ़ते राह दे विच बोर्ड आ गया किले सिंहगढ़ तोफखाना तोफखाना मतलब तोपखाना तो भाजी भाजी करते फिरते ने सामने बनया होया हो ते वहाँ पे तोप रखते थे या फिर वैसे मतलब वहाँ से के वहाँ पे बारूद रखते थे सारा समान हो गया तोप चलाने का ठीक है पूरे पुणे में ठीक है हाँ हरेक मतलब किले दे विच हुंदियां ने चीज़ां ये चलो चलो ए माहौल अंदर नेरे ही नेरा होया पिया ठीक है तो किधर कर रखते थे तोप का मुंह ये क्या चीज है बस है कि कमरा बनाया हुआ तीन तीन फुट दियां कंधां ने ते बहुत मजबूती नाल बनाया हुआ है ना वो निशान वगैरह का कोई दसे नहीं हुए भी कितने तोप पई होंगी सी जां कितने बरूद पिया होंदा सी पर उन तोफखाना कहा जाता क्योंकि इधरले पासे अगे जाके ना सारे शहर का व्यू दिखता इधरले पासे ता करके फिर इन्हू किनारे ते बनाया हुआ तोफखाना कहा जाता इतों निगाह भी रखी जाती सी उधरले पासे ठीक है टिकटां इन्हां किलियां दीआं तां घट हुंदियां ने क्योंकि इत्थे कोई ना मैं ओही कल वाली वीडियो 'च भी शायद दस के हटा भी सांभ सभाई नूं इन्नी कोई गल्लबात हुंदी नहीं जिवें राजस्थान दे किलियां 'च हुंदा इत्थे तां बस कलियां कंधां ने ते पत्थर ने ठीक है जिवें आपां शनिवार वाड़ा देखिया सी कल ओह माहौल आ हुण राजस्थान वाले किलियां दे विच तां 100 उहनां दे शस्त्र पए ने कपड़े पए ने भांडे टिंडे लल्ला भब्बा तां करके फिर ओह 400 रुपए 'च मांज दिंदे ने इत्थे 50 रुपए टिकट लगदी आ ओह वी बाई ने कहता सी बई साडे फ्रेंड अगे आर्मी 'च हैगे ने ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥੋਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਦੇ ਦਰੀਤ ਪੰਡਿਆ ਚਾ ਦੋਖਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਉਧਰ ਸੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਫਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ इधर एक होर चढ़ाई जी बनी हुई है तो यह सारिया कच्चियां जी पौड़ियां ने मतलब बनाई नहीं हुई जिमें आप पिछे चढ़ के आए हैं ये वैसे ही मतलब जिमें टाइमों के बनाई होना है ना वो तरीके दियां ने तो घट्टो घट्ट यह 75 डिग्री के एंगल पर आ है ना ये चढ़ के जाना पैना आप 75 डिग्री एंगल ज़्यादा होंगे मीह के टाइम के ना ये चीज़ा बहुत खतरनाक हो जाए ने तिलकण वाला माहौल बन जाता एक्सीडेंट भी बहुत होंगे ने उदू हरिहर फोर्ट तुम सुनया होना महाराष्ट्र के ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿੱਧੀ ਖੜਵੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
वह भी मैं सलाह बना करन दी जिहड़े हिसाब नाल किले बने हुए ने सोहने लग रहे हैं चीज़ा एडवेंचर वाला ट्रैक जहा देखते हैं कि बनता किन्ने पैर तिलकते हैं किन्ने गुट्टे गिट्टे मुसते हैं देखते हैं हुण। वैसे तो इस पहाड़ के उत्ते जाने वास्ते ना दो राह बने हुए हैं, तुसी चाहे पक्का राह आ जाओ उधरले पास्यों चाहे आ पौड़ियां वाला चढ़ के आ जाओ। इधर थोड़ा जिहा तुहानू ध्यान नाल चढ़ना पऊगा थले गोडिआं नूं हथ ला ला के जां फिर पत्थरां नूं हथ ला ला के। चलो इकड़ा हाँ इकड़ा इकड़ा हूँ जमा ही ला दूजा ओए ओए ध्यान नाल बस इन्ना कि सी अगे जाके पौड़ियाँ आ गई है ये पुराने टाइम वाली ने इकड़ा इत्थे पई आ तोप तोपखाना जिहड़ा उह पहला सी ना उत्थे मैनूं लगदा बरूद पिया होना कल्ला ते इस तोप दा मूँह इधरले पासे आ देखो शहर वाले पासे नूं है ना भी दूरों नेड़ों जे आउंदा कोई निशाना ला लैंदे होणगे ਨੇਰਾ ਲੋਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਰੂਦ ਭਰਦੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਜਰਦਾ ਜੁਰਦਾ ਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਪ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਬਤਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਕਿਤਨਾ ਜੋ इन्होंने हाँ 2678 गोली सॉरी 3678 गोला इसने दागा मतलब उतनी दूर तक हाँ कंटिन्यूअस दो दिन तक अच्छा गढ़ के उत्तर पूर्व और दक्षिण भाग में तोप ने मोर्चा पूरा संभाल रखा था। अच्छा 3000 मीटर मतलब कम से कम ये 3.5 किलोमीटर हो गया है ना 3.6 उसने इतना गोलियां अच्छा इतनी बार गोलियां चलाई है ठीक है क्वांटिटी है गोलों की इधरले पासे एक होर छोटा जिहा कमरा बनिया होया ऊं तां डिग्गिया होया इत्थे भी तोपां पईआं ने कूणियां रखी बैठे ने लोग ते अंदर पता नहीं की सीन है इहदे है कुछ देखने वाला इसके अंदर देखने वाला तो कुछ नहीं है। अच्छा लोकमान्य तिलक थे ना हाँ जी हाँ जी वो यहाँ पे रहते थे लोकमान्य तिलक वो छत्रपति शिवाजी के क्या लगते थे अच्छा मतलब उनकी साइड पे थे या उनके ऑपोजिट थे अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा उनका घर है ये बाथ टब तो फिर उस टाइम में नहीं होगा बाथ टब पड़ा है बाथ टब हाँ, उस टाइम पे नहीं होगा है ना इस साइड पे भी है इस टाइम साइड पे भी है क्या पता शाही घराना हो बस स्टॉप में नहाते हों कुर्सियां करसियां पईयां ने लगता भी किसी टाइम ये होटल वालों यूज की गई सी चीज़ ठीक है इधरले पासे नाम लिखे हुए ने तुषार अभी पूजा समीर चलो जी तो इधरले पासे दो तोपा होर पईयां ने ठीक है लोक मान्या बाल गंगा दा तिलक इन्हां दी मूर्ति दी बाई वो गल करदा सी वी उत्थे वो रहिंदे हुंदे सी है ना ते उन्हां दी बर्थ डेट ते डैथ डेट इत्थे लिखी हुई है ठीक है सारे मराठा राजा सी इहे ऐ माहौल इत्थों दा ठीक है पहला यह किला ना मराठियां दे कोल हुंदा सी ते मुगलां ने कहिंदे फिर छत्रपति शिवाजी दे डैडी नूं बंदी बना लिया सी फिर उन्हूं छड़वाउण दे चक्कर दे विच तां छत्रपति शिवाजी नूं बहुत सारे किले मुगलां नूं देने पए उन्हां दे नाम करने पए ते इह वी उन्हां दे विचों इक किला सी वी इह किला वी आपदे फादर साहब नूं छड़ाउण करके छत्रपति शिवाजी ने यह किला मुगलां नूं देता सी उन्हां ने जित्तिया नहीं सी बस धोखे नाल लै लिया सी तो बाद दे विच जिहड़े ताना जी शाह करके ताना जी करके एक मूवी भी आई सी अजय देवगन की तो वह ताना जी ने यह किला जितया सी
पर उन्हां दी आप दी डैथ हो गई सी, पर उन्होंने यह किला जित के छत्रपति शिवाजी नूं वापस किया सी ते बिना दसे जितया सी। 500 सैनिकां दे नाल कहिंदे उह आए सी इत्थे चढ़ाई करन। सिख ट्रैवलर और तो नहीं पूछना कुछ जाऊं? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, छत्रपति शिवाजी महाराज बोले कि हमारा सिंहगढ़ तो आ गया, सिंह चला गया। अच्छा, सिंहगढ़ से नाम हुई। ठीक है, हाँ लिखा भी हुआ थे भाई जी ने दस कि यह किले का नाम पहला होंदा सी कुंठाणा, ते मुगलों के कोलों जदों ताणा जी ने यह किला जितया गया उन्हां दी फिर डैथ हो गई सी। फिर छत्रपति शिवाजी ने यह कहा सी भी किला तो आ गया पर साडा सिंह वो चला गया, तो किले नूं गढ़ कह दिंदे ने, तां करके फिर ये जगह का नाम सिंहगढ़ रखता सी। ऐसी है ना सर? ठीक है जी। तो अगे जाके इत्थे मंदिर बनया होया, हाँ इत्थे लिखा कुंठाणेश्वर मंदिर, तो उस दे नाम तो यह किले का नाम कुंठाणा पिया सी। तो मतलब शिवजी भगवान का मंदिर है ये, क्योंकि बाहरले पासे नंदी बैल की मूर्ति बनी हुई है, तो थोड़ा मैं दिखा के लेके आना नेड़ों। देखो जिंदा लाया हुआ लॉक लग्या हुआ। ठीक है, इतों तुसी देख लो सामने बनया हुआ शिवलिंग। ठीक है, इधर गणेश जी की मूर्ति पई है ऑरेंज कलर के, कैमरा कढ़ के थोड़ा दर्शन करवाए ने, हूँ इतने लॉक लग्या हुआ। तो इस मंदिर के बिल्कुल सामने ना इधरले पास भी आ पुराने टाइम की मूर्ति पई है, ऐ लगता जिवें नंदी बैल की पुरानी मूर्ति होंगी है ना, वो वाला हिसाब किताब आ जमा पुराना पत्थर, तो दूरों भुलेखा भी पैंता तो लगती भी उही है। उधरले पास जी मूर्ति बनाई हुई है वह नवी आ। ठीक है, मोटा मोटा थोड़ा इतिहास पता लग गया, इधर मंदिर का भी इतिहास लिखा हुआ। तो एक गल नोट करो बई, किसी पास कोई हिंदी नहीं, कोई इन्हों अंग्रेजी ना मतलब नहीं है ना, भी बाहरों टूरिस्ट आते हैं भी किमें लगेगा, पढ़ना जिन्हों आता तो पढ़ी जाओ, नहीं पढ़ना आता तो ना पढ़ो, अगलिया ने पर आपकी बोली लिखी हुई है सारी। ठीक है, उपर जाके नैटवर्क आ गया एयरटैल का, इतने टावर टूवर लगे हुए ने। तो इधरले पासे जी ताना जी मालूसरे समारक बनया हुआ, ताना जी वो सी जिन्हां ने यह किला जितया सी। ठीक है, उन्हां दी इत्थे फिर हिस्टरी सारी मराठी दे विच लिखी हुई है। तो इत्थों आपां, हाँ जी हाँ जी, ब्लॉगर हूँ ब्लॉगर, हाँ हाँ। इत्थों मैं तो बूट बाहर लाते हैं, बूट मैंने तो बाहर उतार दिए, नंगे पैर ना उतरना पड़े किला। इधर बनया हुआ जी स्मारक। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी हुई है, इत्थे हिंदी हैगी है माड़ी मोटी है ना, तो आपां हिस्ट्री इन्नी इन्हां दी पता नहीं हैगी, पर जिहड़ी मोटी मोटी इनफॉर्मेशन सी उस नूं सारी दसती। ठीक है, इधर मतलब छत्रपति शिवाजी, तो उधरले पास स्नेहा लग रहा भी किले ते चढ़ाई हो गई तो किला जित लिया गया, समझी गल नूं भी जदों किले कोले सारे देते सी ना, तो छत्रपति शिवाजी के फादर साहब नूं भी जो रिहा करता सी, तो उदू बाद फिर इन्हें दुबारे चढ़ाई करके वो जित लिया सी। तो इधरले पास ना मूर्ति बनाई हुई है भी ताना जी जिहड़े हैगे ने वह शहीद हो गए इत्थे है ना। अजय देवगन की जी मूवी आई आ ताना जी, कहते खासी फेमस हिट हुई है, मैं तो देखी नहीं, वो कहते इसे किले के इतिहास से बनी हुई है। मराठे राजे दी गोल गोल पग्गा हुंदियां सी, पटियाले वाले राजे वांगू ढाटी बन लेंदे सी थले, क्योंकि हुण ही चलिया रवाज दाड़ियां कटाउण दा, वो टाइम तो सारयां दे मुछां दाड़ियां पग्गां बन्नदे हुंदे सी। आ देखो, तो अगे आ के इधर फिर समारक बनया हुआ, देखो नाले कोई मंदिर नहीं बनया हुआ, इतने सिर्फ समारक बनया हुआ, फिर भी लोग इज्जत करते हैं भी बूट ला के आने पैंदे ने बाहर है ना। तो नेड़ो मूर्ति दिखा दा आ बनी हुई है। ठीक है, तो उपर छतर
ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਾਣ ਜਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇੱਥੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣ ਹਾਂ ਆ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ तानाजी मोसरेंनी 500 मोगल कापले त्यामध्ये तानाजी मोसरे जखमी झाले ढाल तुटली हात तुटला शिला बांधून तानाजी मोसरे अर्धागड सर करून या समाधी स्थळाला आले जिथे रक्ताच्या थोड्या धारार तिथी पडल्यानंतर मवळे पडू लागले आणि मग सूर्याजीने दोर कापला की तुमचा बाप रक्ताच्या थोड्यात मरून पडला आहे मी परतीचे दोर केव्हाच कापून टाकले गेले 60 मवळे दरीत कोसळून मेले सूर्याजीने जाऊन कल्याणराव उघडला आणि पुन्हा गड लढवण्याचा प्रयत्न केला तो सूर्याजी आणि शेलार मामाने 200 मावळे घेतले आणि कल्याणरावजीने शेलार मामा गड चढून मावळे घेऊन उदयमानावरती चालून आला आणि 80 वर्षाच्या शेलार मामानं उदयमानूला ठार मारला आणि तानाजी मोर्चेच्या रक्तानं गड स्वराज्यात आला स्वराज्याचा भगवा फडकला शत्रूचा दोष खाली झाला ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਵੀ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਐਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਂਗੀ ਤੂੰਗੀ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਐਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਲਾਈਵ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਦਰੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਚਟਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਛਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਠੀਕ ਆ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਆ ਗਏ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਈ ਐਂ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਟਰ ਆ ਇਹ ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਹੁੱਥੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਾਈ ਵਹਾਂ ਪੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਕਾ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਟੋਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੂਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਰਾ ਹਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੀਹਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੂਨੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਕਿਲ੍ਹੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਤੋਰਨ
तोरन किला थोड़ा जहा दूर आ, राजगढ़ किला थोड़ा जहा दूर आ, तोरन नेड़े आ। अज थोड़ी जी धुंद करके देख नहीं रहा। तो जे तोरन किले की गल करिए, तोरन किला वह किला जदों कहते छत्रपति शिवाजी पहली बारी राजगद्दी दे बैठे ने, मतलब जदों नू राज तिलक करता भी महाराजा बनाता, तो तोरन किला छत्रपति शिवाजी ने सब तो पहला जितया सी। ते सब तो पहली उहदी जित सी उह, ठीक है, तोरन किले नू जितण दी, चाहे उहनां ने अभ्यास दे तौर ते जितया, चाहे राजा बनन तों बाद लड़ाई करनी कोई जरूरी सी, कोई ना कोई किला जितना जरूरी सी, उहनां ने फिर तोरन किले नू जितया सी। ठीक आ, इह तां किला उहनां दा ही सी, पर बाद दे विच इह कहिंदे उहनां नू देता सी मुगलां नू। ठीक है, दस के हटाया पहला इतिहास इहदा, ते फिर दुबारे जित लिया सी इह ताना जी ने। इधरले पासे लोगों के घर भी बने हुए ने, ते रात नू इह सारा कुछ बंद करके इत्थों थले चले जाते ने, है ना, जंगल दे विच कहिंदे बई बाग बूग हैगे ने इत्थे, लैपड़ वगैरह तेंदुए वगैरह हैगे ने, है ना, रात नू इत्थे उपर तां नहीं कोई आउंदा, पर थले जिहड़ा जंगल देख रहे हो इहनां दे विच हैगे ने, खबरां दे विच भी आ रहे ने, जां फिर जिहड़े मैं पेज फॉलो कीते होए ने महाराष्ट्र ट्रैकिंग वाले जां किसे भी तरां दे, उहनां दे विच भी सुणन नू मिलदियां ने खबरां वी अज लैपड़ देखिया गया सी, समेत वीडियो ते फोटोआं। इधर आ छोटे छोटे होटल बने ने, इहनां नू देख के याद आ गई जिवें केदारनाथ दा ट्रैक नहीं करदे सी तां राह दे विच एवें बने हुए सी, क्योंकि हेमकुंड साहब वाले पासे घट ने ना होटल, क्योंकि उधरले पासे फिर लोग लंगरां च प्रशादा पानी छक लैंदे ने, केदारनाथ वाले पासे लगातार ही ने एवें दी ने जमा। कदे कदे ना ऐ सोचने वाली गल हो जाती है भी एडे एडे पत्थर बड़िया बड़िया सिल्लां ने ये, है ना, भी लियांदे किवें होणगे इत्थे, हाथियां घोड़ियां दे लियांदे होणगे पर उन्होंने लभे किवें होने, है ना, क्योंकि आह भी सारे कितने पत्थर ही है, इतने वाला कोई सीमेंट गारा नहीं लग्या होया, ना कोई चूना लग्या होया, पत्थर के उत्ते पत्थर टकाया होया, इन्हां नहीं कुछ ना कुछ तो समान वरत्या ही होगा जिहड़ा पुराने टाइम च वरतदे सी। ते फिर ही मैं तो उन्नी कलाकारी नहीं कीती हुई। राजस्थान के किलों का मैं तुहानू दसदा भी उहदे विच ना छेड़खानी बहुत कीती हुई है किलों के, मतलब जिवें दे ओरिजिनल हैगे सी उहनां नू बहुत चंगे तरीके नाल किते ना किते रेनोवेट किया होया, है ना, तो करके क्योंकि वो टाइम के लड़ाइया लड़ूइया भी होंदिया सी, टुट भज भी होंदी सी, पर वो तो यह जहाँ कोई निशान उत्थे देखने को मिलते नहीं ज्यादा, तो करके उन्होंने टिकटा महंगा ने, क्योंकि उन्होंने उत्ते खर्चा होया हुआ, यह जिमें है ये उम्मीद रखे गए ने, गेट गूट बचे ने, न्यावा बच गई, तो शायद तंबू तंबू ला के भी ना रेंदे होण, एवें दी कोई गल हो सकती है कि नहीं उपर चोटी दे, क्योंकि इधर कहड़ा कोई ठंड वाला मौसम आ, एक सार मौसम जहाँ रहा, छोटे छोटे घोर ने जो जरूर बनाए हुए ने इतने। तो जदों आप किले जो वापस आ रहे हैं ना, तो इधरले पासे भाई तगड़े लैवल से बाजार भी लग्या होया, आ देखो ऐनक उनक लैनिया ने, होर छांपा छले गांदियां मुंदियां चैनिया झांजर कांटे सारा कुछ आ। तो इधरले पासे ना बोर्ड लग्या होया है, तो यह भी मराठी दे विच लग्या होया सारा, तो इत्थे लिखा होया घोड़ियाची पागा, ठीक है, मतलब इधरले पासे एक तरह का बड़ा सारा हाल जहा बनाया होया, तो घोड़े बंधन के काम आता सी। चलो चलो इतने आवाज जी कढ़ दो घोड़े वाली, कहने घोड़ा आ गया सच्ची ऐसे कर दे के आ गया छत्रपति शिवाजी का घोड़ा आ गया। तो हाँ एवें बनया होया अंदरों, तो इतने पानी खड़ा, तो इन्हां सारियां थावां दे उत्ते बन्ने जांदे सी घोड़े, ते बाकी थोड़ा जिहा नीवां जां फिर ठिब्बे घोड़े होणगे, वड्डे लंबे कद नहीं होणे उहनां दे, है ना, सही बात है ना, क्या थे इधर किस घोड़े रहे, ओ उन्होंने बोला घोड़िया ची पागा, तो अच्छा किसे रहेंगे किसे इधर, हां तो घोड़े भी किस्म के होते हैं ना, कहीं पे हाइट लंबी होती है घोड़ों की, कहीं पे छोटे होते हैं, यहां पे कुछ होगा उनका मीटिंग पॉइंट वगैरह कुछ होगा घोड़ों का, हाँ अच्छा ठीक है भाई, चैनल का नाम है सिख ट्रैवलर, हाँ आपका आ जाएगा वीडियो वीडियो वगैरह देख लेना, ये घोड़े के रिलेटेड सारी वीडियो होगी उस पर, ठीक है ठीक है जी, हाँ बस हो गया घोड़िया ची पागा कर दिया इसने भाई ने बता के। लो जी 12:30 बजे आप शुरू किया किला देखना, तो 2:30 बज गए ने, 2 घंटे के बिच बिच आप सारा भगतावा फोटो रीलों बना लिया खा पी लिया, जेडे गेटा चो आप आए थे अंदर
उसे हम बाहर जा रहे हैं। ये बेचण बूचण वाले दी आवाज़ां ने जिहड़ियां तुसीं सुन रहे हो पिछे। तो जदों असीं आए सी ना उदों इन्नी क थां खाली पई सी, हुण तुसीं देख लो दूर दूर तक मोटरसाइकिल लगे हुए ने, बहुत वड्डी गड्डियां दी पार्किंग भी आ, पूरा भर गया हुण तां माहौल। किला देखण तों बाद वापस आ गए हां ते बाई जी आपां नूं रेस्टोरेंट दे विच लै के आए ने, कहिंदे सानूं रेस्टोरेंट दे विच इत्थे रोटी खवाने, बहुत फेमस रेस्टोरेंट आ ते तुसीं व्यू देखो यार इत्थों दा, ठीक आ। लोगों ने इत्थे मेज कुर्सियां लाईयां ने, पिछले पासे सारी लेक आ उधर सामने, जिवें जूहू बीच हुंदा उवें माहौल बनिया पिया। ते इत्थों देख लो तुसीं व्यू, रात नूं बड़ा घैंट माहौल लगदा होना, हुण तां वी ठंडा ते ठंडी ठंडी हवा चलदी होगी। फिलहाल इत्थे होटलों की बहुत ज़्यादा होटल कही आना अपने टेबलों की बहुत ज़्यादा बुकिंग चलती है, तो अपनी हजे गलबात चल रही है भी की माहौल बनता। तो इत्थे वेटिंग चल रही थी, वेटिंग चल रही सिर्फ ए वाले टेबल की, जेडे कि बिल्कुल ये लेक के नाल लगते हैं। बाकी जो तुम दूजे पास देखोगे तो उधर टेबल हजे खाली पे ने, तो ए वाला टेबल थोड़ा जहा मन लगता महंगा भी है, तो ये वास्ते वेट भी करनी पैंती है ज़्यादा। लो जी, यही सी अज दी वीडियो दे विच, वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर दिओ। किलां दे विच थोड़े मोटे ट्रैक होंदे ने, जे ट्रैकां करके होर गल्लां बातां करके कई कई बारी वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। धन्नवाद जी सारयां दा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।